मेला में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के गाड़ी तथा म्यूजिक इक्विपमेंट में वहां के दर्शकों ने क्षति किए, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो नमस्कार। जितने भी हमारे नेपाल के दर्शक हैं और नेपाल की हमारी पॉपुलेशन है, बहुत अच्छी दर्शक है और बहुत प्यार करती है भोजपुरी इंडस्ट्री से और बहुत लगाव है। तो ये क्षति हुआ है ऑर्गेनाइजर के गलती से। जो सरवन चौधरी जी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कोविड के वजह से जब परमिशन नहीं मिला और हम क्यों इतने बड़े स्टार को लेके आए, तो सबसे बड़ी गलती तो ऑर्गेनाइजर को है और यहाँ की प्रशासन भी उसमें जिम्मेदार है। क्योंकि सुबह से आपको अगर जो पता है कि कोविड के वजह से हम ये महोत्सव नहीं होने देंगे, तो इतनी बड़ी कार्यक्रम हो रही है और सारे कलाकार आए हैं, तो कमती में प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि मतलब हम ये सुबह से पब्लिक जुट रही है जो, तो उनको नियंत्रण करना चाहिए, नहीं जुटने देना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है सरवन चौधरी जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं सुनसरी बरजू मेला के, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम टिकट नहीं काटें। क्योंकि कोई भी दर्शक अगर जो अपने चहेते कलाकार जैसे खेसारी लाल यादव बहुत बड़ा नामचीन आदमी है, बहुत क्रेज है उनका नेपाल में, तो उनको उनके नाम पे अगर जो पब्लिक इतना उनको चाहती है तो 500,000 का टिकट देके आ रही है। जाहिर सी बात है अपने चहेते कलाकार को अगर जो नहीं देखने पाएगी, अगर जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर झूठ बोल के उनको टिकट काटते हैं, हालांकि परमिशन नहीं मिला था उनको, झूठ बोल के टिकट काट रहे हैं, तो दर्शक को गुमराह करके ये सब सारी चीज़ें की हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ की क्षति हुई है। तो इसके वजह से वहाँ के दर्शक जो पाई है वो उनको क्षति पहुँचाई है। लेकिन दर्शक की भी एक थोड़ी सोच है गलत निकली कि क्योंकि ऑर्गेनाइजर को वो करना चाहिए कि जो कि हमारे मेहमान खेसारी लाल जी आए हैं उनको कुछ ऐसा नहीं, वो हमारे मेहमान हैं, उनको स्वागत सम्मान करना चाहिए, उनकी कोई भी ऐसे चीज़ को नहीं उनको क्षति करना चाहिए। किशोर जी जैसे ये भी कहा जाता है कि खेसारी जी को पैसा नहीं मिला इसलिए इसलिए स्टेज पे नहीं जाने से बवाल हुआ, सच क्या है? ये बहुत गलत बात है, ये सबकी सोच अलग है। जहाँ तक मैं खेसारी लाल को जानता हूँ, हमारे कपिल वस्तु क्षेत्र में भी आए थे, तो यहाँ पे आए थे ऐसा उनके उनका नेचर मैं जानता हूँ। वो खाली दर्शकों का प्यार चाहते हैं, उनको पैसे से मतलब नहीं है, यही सोच लेके मतलब देखिए उनको खाली हम ये तौलियाओं में कराए थे कपिल वस्तु में, तो उनका पोस्टर में खाली नाम गया था और वो खाली। ये भी कहा जाता है कि खेसारी जी को पैसा नहीं मिला इसलिए स्टेज पे नहीं जाने से बवाल हुआ, सच क्या है? ये बहुत गलत बात है, ये सबकी सोच अलग है। जहाँ तक मैं खेसारी लाल को जानता हूँ, हमारे कपिल वस्तु क्षेत्र में भी आए थे, तो यहाँ पे आए थे ऐसा उनके उनका नेचर मैं जानता हूँ। वो खाली दर्शकों का प्यार चाहते हैं, उनको पैसे से मतलब नहीं है, यही सोच लेके मतलब देखिए उनको खाली हम ये तौलियाओं में कराए थे कपिल वस्तु में, तो उनका पोस्टर में खाली नाम गया था और वो खाली हम ये अपने व्यक्तिगत से और दर्शकों के बीच वो पैसे के लिए नहीं आते, वो दर्शकों का प्यार लेके आते हैं कि हमको कितना प्यार मिले, वो पैसे वाले आदमी नहीं है, ऐसा उनका नेचर नहीं है, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है कि हमको पैसा मिलना ही चाहिए, पैसे के लिए वो नहीं आते हैं, खाली दर्शकों का प्यार उनको चाहिए। उनको प्यार सम्मान दीजिए, वो सबसे बड़ा धन दौलत उनका वही है, दर्शकों का प्यार सबसे बड़ी दौलत है। ये सब गलत बात है कि पैसों को लिए स्टेज पे गए हैं, नहीं गए हैं, और परमिशन ना मिलने की वजह से यही सब हुआ है। वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है, मैं नेपाल सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा, कोशिश करूँगा कि उनका जो क्षति हुए नेपाल सरकार उनको कैसे भरपाई करे, वहाँ के ऑर्गेनाइजर कैसे भरपाई करे, यही मैं चाहता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो उनका क्षति हुआ है नेपाल सरकार और वहाँ के ऑर्गेनाइजर जो हैं सरवन चौधरी, उनको भरपाई करना चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त है।